नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में फरीदपुर थानी में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर रामसेवक पर स्मैक तस्करों को रिश्वत लेकर छोड़ने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। एसएसपी अनुराग आर्य को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने एसपी साउथ से इंस्पेक्टर के आवास पर छापा पड़वाया। छापे में उसके बेड से 9,96,000 रुपए नगद मिले। इंस्पेक्टर को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो वो थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया। एसएसपी अनुराग आर्य की इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल एसएसपी अनुराग आर्य को लंबे समय से फरीदपुर थाने के इंस्पेक्टर रामसेवक के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, लेकिन जैसे ही एसएसपी को जानकारी मिली कि इंस्पेक्टर ने रिश्वत लेकर दो स्मैक तस्करों को छोड़ दिया है, वैसे ही एसएसपी ने आईपीएस एसएसपी साउथ मुनीश पारिक और सीओ को भेजकर इंस्पेक्टर के आवास पर छापा पड़वाया। इंस्पेक्टर के आवास से 9,96,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। वहीं मौका पाकर इंस्पेक्टर रामसेवक फरार हो गया। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में दो संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7,00,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाने पर थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जाँच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया चौक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7,00,000 रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) बीएनएस और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल आरोपी निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विवेचनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।